आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात के द्वारा प्रश्नों का हल करना, लेकिन उसके बाद में आज हम इस अनुपात और समानुपात में पढ़ रहे हैं एक एक विधि से उत्तर ज्ञात करना, एक एक विधि से जो है प्रश्नों का हल करना। वह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाए उतने निकालते हैं, वह एक एक विधि कहलाती है। कहने का अर्थ है, पहले चाहे जितनी भी वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ होता है उससे पूर्व हमें जो है एक वस्तु का मूल्य निकालना। जैसे देखिए, पांच पेनों का मूल्य बराबर 25 रुपए है। पांच पेनों का मूल्य 25 रुपए है, तो एक पेन का मूल्य क्या होगा? तो एक पेन का मूल्य निकालना है तो 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 रुपए आएगा। एक पेन का 5 रुपए मूल्य है, तो एक पेन का 5 रुपए मूल्य है, तो और अधिक अगर वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना, जैसे एक पेन का 5 रुपए मूल्य है और 8 पेनों का होगा, तो 8 × 5 बराबर 8×5 = 40 रुपए हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे एक वस्तु को आधार मान करके मूल्य निकाल करके अधिकतम और कम वस्तुओं का मूल्य निकाला जाता है, उसे कहते हैं एक एक नियम से। अब ये जैसे देखिए, एक प्रश्न है, यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपए है तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 7 मीटर का दिया हुआ था, इसलिए लिखेंगे हम जैसे, चूंकि 7 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 1470 रुपए है, इसलिए एक एक नियम से करेंगे। तो पहले हम एक वस्तु का 1 मीटर का मूल्य ज्ञात करेंगे, इसलिए एक मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 1470/7 रुपए इतने आ गए। अब ये प्रश्न हल ना होकर के आगे जिस प्रकार से हमें पूछा गया है कि 5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, इसलिए 5 मीटर कपड़े का मूल्य होगा बराबर 1470/5, पहले से लिखा हुआ है। अब 5 मीटर का हमें पूछ रहे हैं, तो गुणा 5 मीटर करेंगे, 1470/7 × 5 मीटर। जैसे 7 × 7 काटना है, 7 × 2 = 14 और 7 × 7 भाग टूटेगा 0, तो ये 210 हो गए। तो अब 210 × 5 = 5 को 0 से गुणा किया, 0, 5 × 5 और 5 × 10 यानी 1050 रुपए। कहने का अर्थ है कि 5 मीटर कपड़े का मूल्य 1050 रुपए होगा। इसी प्रकार से यह प्रश्न है, जैसे देखिए, 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है, तो 40 पुस्तकों का भार ज्ञात कीजिए। जैसे चूंकि अब सबसे पहले तो 9 किलोग्राम है, 9 किलोग्राम का अर्थ हुआ बराबर 9000 ग्राम। अब हम इस प्रश्न को सरल करेंगे, जैसे चूंकि 72 पुस्तकों का भार बराबर 9000 ग्राम, ठीक है। अब इसके बाद में इसलिए अब इस संख्या को जो है हम गुणा एक एक नियम से ज्ञात करेंगे, तो आएगा कि 9 किलोग्राम है 72 पुस्तकों का, तो एक पुस्तक का भार बराबर 9000 ग्राम, 9000 ग्राम / 72 ये हो जाएगा।
अब उसके बाद में अगली हमें ज्ञात क्या करना है, 40 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसलिए 40 पुस्तकों का भार होगा, भार होगा बराबर, जैसे यही प्रश्न आगे सरल करेंगे, 9000 ग्राम बटे 72 गुणा 40। अब ये जो काट जिस संख्या का भाग जा रहा है उस संख्या से दोनों संख्याओं को अंश और हर को काटना, तो 9 का भाग जा रहा है तो 9 दा 90, 9 दा 10 बार, और 0 भाग टूटा, इसलिए 8 9 72, यहां गया 1000 बार, यहां गया 8 बार 9 का भाग, तो 8 एकम 8 8 40। इस प्रकार से ऊपर की संख्या अंश जो रह गई 1000 गुणा 5 बराबर 5000 क्या आया ग्राम, 5000 ग्राम बराबर ये ग्राम आ गए, तो 5000 ग्राम में बराबर केजी बनाएंगे, किग्रा बनाएंगे, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5000 ग्राम बराबर 5 किग्रा बन गए, किलोग्राम जो है 40 पुस्तकों का वजन होगा। इस प्रकार से हम इन सभी प्रश्नों को जो है हल करेंगे।